दोस्तों, इस वीडियो में हम मम्मी और बेबी हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, डिलीवरी के बाद पीरियड कब तक आता है? दोस्तों, डिलीवरी के बाद पीरियड आना इस बात पर निर्भर करता है कि माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क कितना दे रही है। अगर आप बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रही हो, मतलब बच्चे को सिर्फ अपना दूध ही पिला रही हो, वो भी बहुत अच्छी मात्रा में, तो आपका फर्स्ट पीरियड आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। 6 से 8 महीना, यहाँ तक कि 1 साल भी लग सकता है। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस दौरान अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए आपको कोई ना कोई प्रिकॉशंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के 4 से 6 हफ्ते के बाद से ही अंडा रिलीज होना शुरू हो जाता है। वही अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बच्चे को बॉटल फीड दे रही हो, तो आपका पीरियड थोड़ी जल्दी डिलीवरी के लगभग 4 से 6 हफ्ते बाद ही शुरू हो सकता है। हो सकता है शुरुआत में आपका पीरियड रेगुलर ना भी हो, तो इससे घबराए नहीं, लेकिन अगर पीरियड बहुत लंबे समय तक चलते रहे और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। हमारा अगला सवाल है, जन्म के समय शिशु के वजन कम से कम कितना होना जरूरी है? दोस्तों, जन्म के समय शिशु का नॉर्मल वेट 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में आना बहुत जरूरी है। 9 महीना यानी कि फुल टर्म में पैदा हुए 80% बच्चों का वजन इतना हो ही जाता है। इससे कम या ज्यादा वजन वाले बच्चे भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद डॉक्टर को बारीकी से यह देखना होता है कि इन बच्चों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान माँ को पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। हमारा अगला सवाल है, बच्चे को माँ का दूध कब तक पिला सकते हैं? दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है 6 महीने तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध या फॉर्मूला मिल्क ही पिलाना चाहिए, और इसके बाद शिशु को ठोस आहार देना शुरू कर देना चाहिए और स्तनपान धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि माँ का दूध एक बच्चे के लिए अमृत का समान होता है, इसलिए आमतौर पर बच्चे को 2 से 2.5 वर्ष की उम्र तक भी स्तनपान कराया जाता है। अगला सवाल है, ब्रेस्ट मिल्क को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? दोस्तों, कोई कोई माँ वर्किंग होते हैं या फिर कभी बच्चे के साथ बाहर जाओ, तो बाहर ब्रेस्ट फीड देना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने से बच्चे को पिलाया जा सके। ब्रेस्ट मिल्क को कितने समय तक स्टोर कर सकते हो, ये आपके स्टोरेज के तरीके के ऊपर भी निर्भर करता है। ताजा ब्रेस्ट मिल्क को कमरे के सामान्य तापमात्रा में 4 घंटे तक आप स्टोर करके रख सकते हो। इंसुलेटेड कूलर में बर्फ के साथ आप 1 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रिज में स्टोर करती हो, तो 5 दिन के लिए भी ब्रेस्ट मिल्क को फ्रिज में रख सकती हो। हालांकि 3 दिन के अंदर ही इस दूध को इस्तेमाल कर लेना बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, हमारे अगले सवाल में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज नीचे दिए गए लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए, और अगर इस तरीके का और भी वीडियोस देखना चाहते हो, तो हमारे टॉप हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हमारा अगला सवाल है, शिशु को दिन में कितने बार दूध पिलाना चाहिए? दोस्तों, 1 से 3 महीने के बच्चे को 24 घंटे के अंदर 7 से 9 बार ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती कुछ दिनों में बच्चों को आप जितना ज्यादा बार ब्रेस्ट फीड कराओगे, आपके ब्रेस्ट में दूध भी उतना ज्यादा ही बनेगी। अगर आपका बच्चा 3 महीने का है, तो दिन में आप बच्चे को 6 से 8 बार दूध पिलाइए, और अगर 6 महीने के बच्चा है, तो एक दिन में 6 बार दूध पिलाइए, और साथ में 1 से 2 बार ऊपर का कुछ खिलाने का भी कोशिश करें। 12 महीने के बच्चे को बड़ों के तरह 3 बार खाना भी खिलाइए, साथ में दिन में 3 से 4 बार दूध भी पिलाइए। बच्चे को लेट कर दूध भूल से भी ना पिलाए। दोस्तों, शिशु को लेट कर माँ का दूध पिलाना उसके आँखों के लिए खतरनाक हो सकता है।
लेटकर दूध पिलाने से कभी कभी शिशु के नाक में दूध चला जाता है, जो नाक में बनी आंसू की थैली में इकट्ठा हो जाता है और तब लगातार बच्चे का आंखों से पानी गिरने लगता है। इसके अलावा लेटकर दूध पिलाने से बच्चे के फेफड़े में भी दूध जाने की संभावना काफी बढ़ जाता है, जो कि शिशु के लिए घातक भी हो सकती है। अगला सवाल है, किस सिचुएशन में बेबी को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए? दोस्तों, यदि आप किसी संक्रामक बीमारी जैसे कि HIV, STD आदि से ग्रसित हैं, लेकिन शिशु को वह बीमारी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही स्तनपान करवाना चाहिए, अन्यथा शिशु के जान को भी खतरा हो सकता है। अगला सवाल है, स्तनपान नहीं कराने से क्या माँ को भी कुछ नुकसान हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, स्तनपान केवल नवजात शिशु के लिए ही नहीं वरन माँ के लिए भी लाभकारी है। यह माँ के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कैंसर, हार्ट में कोई प्रॉब्लम या डिप्रेशन से भी लड़ने का क्षमता विकसित करता है। यहाँ तक कि स्तनपान से माँ को प्रसव के बाद वजन कम करने में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के जरिए हम आपको कोई जानकारी दे सके। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो दूसरे पेरेंट्स तक भी पहुंचाइए। इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में मेरे इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।